रेप में मामले में दोषी ठहराए गए डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम को 28 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। राम रहीम संत के साथ ही साथ एक फिल्म कलाकार, कोरियोग्राफर, डायरेक्टर, सिंगर, प्रोड्यूसर और क्रिकेट कोच, पिच क्यूरेटर भी है। बताया जाता है कि 2003 में बाबा को किसी ने सलाह दी कि डेरे की अच्छी छवि बनाने के लिए आप क्रिकेट में दिलचस्पी दिखना शुरू कर दें। इसके बाद बाबा ने महज 42 दिन के भीतर सिरसा में फ्लड लाइट्स वाला स्टेडियम तैयार करवा दिया, शाह सतनाम जी क्रिकेट स्टेडियम। दरअसल सिरसा के शाह सतनाम जी क्रिकेट स्टेडियम की सभी पिच बाबा की देखरेख में बनाई गई है। इसके बाद बाबा राम रहीम खुद को क्रिकेट का अच्छा जानकार, पिच क्यूरेटर और कोच भी बताने लगा। इन पिचों को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला और मुंबई के वांगेड़े स्टेडियम की तर्ज पर तैयार करवाया गया है। इस स्टेडियम में क्रिकेट एकेडमी भी शुरू की गई, जहां और जवानों को बाबा राम रहीम खेलने की टिप्स देने पहुंच जाते थे। इसलिए बताते हैं खुद को पिच क्यूरेटर, तकरीबन 30,000 दर्शकों की क्षमता वाले इस स्टेडियम में पिच बाबा के दिशा निर्देश पर तैयार होती थी। इसके अलावा इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली को भी बाबा राम रहीम ने सलाह दी थी। दरअसल बाबा ने दावा किया था कि उसने विराट को बड़ा रन स्कोर बनाना सिखाया। विराट भी खेल चुके यहाँ। स्टेडियम तैयार होने के बाद बाबा यहाँ टूर्नामेंट आयोजित कराने लगे, लेकिन फिर भी इसे नेशनल या इंटरनेशनल ख्याति नहीं मिल पा रही थी। इसके लिए डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख ने देश के तमाम क्रिकेटर्स को स्टेडियम में लाने के लिए मुंह मांगी रकम दी गई। इंडियन क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली से लेकर जहीर खान तक यहां खेलने आए। इन प्लेयर्स के यहां खेलने से शाह सतनाम जी क्रिकेट स्टेडियम को रणजी ट्रॉफी खेलने के लायक मान लिया गया। रणजी के अलावा यहां विजय हजारे ट्रॉफी के मैच भी यहां हुए हैं। फिल्मों से कमाई करोड़ों और राम रहीम संत के साथ ही साथ एक फिल्म कलाकार, कोरियोग्राफर, डायरेक्टर, सिंगर और प्रोड्यूसर भी है। उसने MSG दी मैसेजर ऑफ गॉड, MSG दो दी मैसेजर, जतू इंजीनियर, हिंद का नापा को जवाब और MSG दी वेरियर लॉ इन हार्ट जैसी फिल्में बनाई। इस सभी फिल्मों में उसने मेन कैरेक्टर प्ले किया। साथ ही इन फिल्मों में डायरेक्शन, प्रोडक्शन का काम, म्यूजिक, सिंगिंग भी खुद किया। इतनी कमाई का किया दावा। 2015 में बनी द मैसेजर नाम की फिल्म ने कुल 16.65 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जबकि फिल्म के प्रोड्यूसर का दावा था कि फिल्म ने 126 करोड़ रुपए की कमाई है। इसी साल राम रहीम ने द मैसेजर का दूसरा वर्जन द मैसेजर 2 फिल्म रिलीज की थी। इसमें कुल 12 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, जबकि फिल्म के प्रोड्यूसर का कहना था कि 453 करोड़ रुपए की आय है। बाबा की MSG द वॉरियर लायर हर्ट नाम से तीसरी फिल्म आई। इस फिल्म की 13 करोड़ 24 लाख रुपए की कमाई का दावा किया गया था। इस फिल्म के बाद 2017 की शुरुआत में हिंद का नापा को जवाब नाम से चौथी और जटू इंजीनियर नाम से पांचवी फिल्म रिलीज हुई है। राम रहीम ने अपनी प्रशंसा में कई एल्बम भी जारी किए, जिसे उनके अनुयायियों द्वारा खूब पसंद किया जाता है।